हेलो एवरीवन, झूले समला झूले, हम ऐसे झूले बोलते हैं, झूले 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 मीन्स नमस्ते। तो आज है जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। तो मैंने सोचा कि जन्माष्टमी पे एक ब्लॉग बना दूँ, क्योंकि हम कल दो दिन से तैयारी कर रहे हैं। मैं और आंटी ने झूला बनाया श्री कृष्ण भगवान के लिए, और मैंने कहा कि मैं बनाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने ऐसे कुछ ट्राई नहीं किया था, तो मैंने उनके लिए झूला बना। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी आवाज़ को क्या हो गया पता नहीं। आज 12 o'clock में ना पूजा होती है, और कल दावत बुलाते हैं सबको, खाने पे बुलाते हैं सबको। तो अभी मैं जल्दी से रेडी होके ना नीचे जाऊँगी पूजा के लिए। ये फरोड़ा बोलता है, भगवान का नहीं, फरोड़ा है खाने का। वो अपन खाते ना, उनका भोजन है। अच्छा, ऐसे लटकना पड़ता है वो छोटा रहता है ना, तो नहीं है, वो खुद के खाता वो। अच्छा, ऐसे तोड़ तोड़ के खाएंगे। अच्छा, हाँ। वो पहला है ना ये। अच्छा, हाँ। वो कृष्ण है। अच्छा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अभी पूजा हो गई पूरा। स्माइल करो माही। माही स्माइल। ये हमारे भगवान को इसे ये जो खाने का जो सामान है ना बनाना पड़ता है। चूड़ा, सेव, करंजी, चकली, बेसन के लड्डू, अनानदा, बालूशाही, ये सभी प्रकार की दूसरी बनी हुई मिठाई, बोले सभी चॉकलेट, इसको माखन बोलते हैं। भगवान जी के बहुत प्रिय होता है ये फुटाने हैं। ये मिश्री है, तो ये सो होते हैं मखाना, एक और पकड़ा और एक पान करते हैं खाने का, सो मीठा बनाया पूरा। वो है ये अपनी अंबाड़ी की भाजी है, दाल भाजी, बैगन की सब्जी, आलू की सब्जी, कड़ी, वरण करी की सब्जी। ये कृष्ण भगवान के लिए थे, गोपाल काला बोलते इसको। अच्छा, नाम क्या है इसका? मिर्ची बाजे। नीचे बहुत सारे मेहमान थे तो मैं ऊपर लेके आई हूँ। टू टाइप्स ऑफ चटनी, कोकोनट का लग रहा है शायद, और एक ये ऑनियन का है। ये भी स्पाइसी नहीं है। अच्छा है खाना, बहुत 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 अच्छा है। चावल, ये दाल, छानते में ना भाला मतलब ठीक हो, मेरा ठीक हो। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं बहुत स्पाइसी बनाते हैं, तो हम नहीं खाते बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बट ये नॉर्मल है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसा वाला एक खाऊंगी ना तो मेरा पेट भर जाएगा। अच्छा है, और ये बैंगन और आलू की सब्जी बहुत टेस्टी है। इसका नाम कुछ बोला था मुझे, मिर्ची वड़ा कुछ बोला था, मैंने रिकॉर्ड किया है बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ये मिर्ची कुछ है भाई, बहुत टेस्टी है। पहले मुझे लगा ये स्पाइसी होता, मैंने पहले नहीं खाया था ना, बढ़िया भी अंदर ना मिर्ची के साथ कुछ स्टफिंग किया है,
अब मैं रेसिपी दूँगी आप किसी भी कैसे बनता है। और हाथ के साथ खाने से ना और भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो गाइस बहुत टेस्टी था सब कुछ और ना पेट भर गया मैं। और अभी लास्ट पे ये हम कैसे बोल सकते हैं, मैंने इसका नाम पूछा था, मैं ये भी भूल गई। सबके नाम पूछ के ना बाद में मैं कुछ कंफ्यूज हो गई किसका किसके, हम टेस्ट करके कुछ नाम रख लेते इसका ना। सच में बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत ही टेस्टी है। मैं पुलाव खाऊंगी मैं एक और खा लिया, दो तो मैं खाऊंगी पक्का। तो गाइस मैंने सोचा था कि मैं ना अब वीक में दो बार वीडियो डालूं, बट कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करो कि मैं क्या करूँ, फूड ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ खाती तो रहती हूँ, या ऐसे ही नॉर्मल मेरी डेली लाइफ के बारे में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ आइडियाज़ नहीं आते ना। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मुझे इसका पूरा ख़त्म करना है ना। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, तो लाइक भी कमेंट्स करना, खूब सारे कमेंट्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरा फर्स्ट एक त्यौहार है जो मैंने स्टार्टिंग से मैंने इसमें मतलब क्या बोलते हैं पार्ट लिया ऐसा कुछ की, स्टार्टिंग से मैंने देखा कि क्या क्या होते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ना इसमें सब कुछ, पूजा से लेके खाना तक और प्रसाद और वो सब उसमें क्या क्या डालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे खुद को ना अच्छा भी लगा। तो और आंटी ने ये खाना भी बहुत टेस्टी बनाया, मैं उनको सुबह बताऊंगी, अभी बहुत लेट हो गए। तो गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।